हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो का टॉपिक है वो कुछ दोस्तों ने मेरे जो कल की जो मैंने वीडियो बनाई थी उस पर कमेंट्स किए थे, और कमेंट्स करने के बाद उन्होंने मुझे ये बताया कि देखिए जब सर आप जब तक आज़रबैजान में थे तो आप आज़रबैजान की तारीफ़ें करते थे, और जब आप आज़रबैजान से चले गए तो आप आज़रबैजान को बुरा बोल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, और आप लोगों को शायद समझने में थोड़ी सी गलती हो रही है या मैं समझा नहीं पाया, शायद मेरी मिस्टेक होगी। लेकिन देखें सर, मैंने आपको जो रियलिटी है वो बताई है। आज मैं उस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि जिस टॉपिक पे जो एक फैमिली की जेन्युइन जो ज़रूरत है उसके बारे में मैं बात करूँगा। आपको पता लगेगा कि कितना एक्सपेंसिव है आज़रबैजान पाकिस्तान के हवाले से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन दोस्तों को इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी हो। तो चलते हैं वीडियो के टॉपिक की जान। ये है आज़रबैजान। आप सब दोस्तों को आप सब ऐसे दोस्त होंगे जिन्होंने पहले भी मेरी वीडियोस देखी होगी, उनको बार बार एक ही बात बताने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं उनको बार बार, मेरे पास कोई और टॉपिक नहीं है और मेरे पास डिस्कस के लिए कोई और बात नहीं है, मैं बस इसी डिस्कस और इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो मेरे पीछे आज़रबैजान है, अब यहाँ पर आज़रबैजान आप पहुँच गए, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बताऊँ आपको कैसे लगेगा कि आज़रबैजान के निज़ामी स्ट्रीट, ये है निज़ामी स्ट्रीट, ये जो निज़ाम स्ट्रीट है, बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादातर जितना भी आते हैं वो अपनी होटल बुकिंग ही सिर्फ और सिर्फ निज़ाम स्ट्रीट पर करते हैं। ये है निज़ाम स्ट्रीट। निज़ाम स्ट्रीट आप पहुँचते हैं तो निज़ाम स्ट्रीट आज़रबैजान के दूसरे जगहों से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है मैं आपको बताता हूँ। अगर डोनर आपको नैनीमॉन में, गेंज लेक में, उसके बाद आप क्या नाम है उस तरफ नेचुरल की तरफ चले जाए, किसी और जगह की तरफ चले जाए, तो वो वहाँ पर आपको जो डोनर होता है, डोनर के अंदर एक ब्रेड होती है, उसमें मीट्स होता है और उसको थोड़े से गार्लिक किया जाता है, ठीक है, वो डोनर आपको दूसरी जगह मिलेगा। तकरीबन शॉर्मा भी कह सकते हैं, डोनर भी कह सकते हैं। जैसे ये है डोनर, ठीक है, इस डोनर की प्राइस जो है वो टोटल है 1 मनात 50 सेंट आम जगहों पर, 1 मनात 50 सेंट। और अगर ये देखें आप, ये मीट डोनर है, ये जो मीट डोनर है ये है 2 मनात का, यानी 1 मनात 50 पैसे का जो है वो चिकन है, और 2 मनात का जो है वो है मीट, यानी वो आप उसे कुजे कहते हैं उसे, यानी मतलब वो शिफ शिफ का होता है वो, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, यही चीज़ अगर आप निज़ामी पे परचेज करते हैं तो ये कम से कम 4 मनात की। अब मुझे एक बात बताएं, जो चीज़ 1.5 रुपए की है वो चीज़ आपको कितने में मिली? 4 मनात की। आप एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ से ज़्यादातर जितने भी आप जाते हैं तो एक चीज़ आपने याद रखना है, अगर आप यहाँ से जा रहे हैं तो आपने करना क्या है, जिस होटल में आप बुकिंग करें उसमें सिर्फ ये उनसे कन्फर्म कर लें कि हम सेल्फ किचन यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ें होती हैं बहुत एक्सपेंसिव मिलती है। आप अगर बाहर शॉप से लेते हैं, हाँ अगर आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं वहाँ पर एक चिकन लेते हैं, कुछ सामान लेते हैं, और वहाँ से लेने के बाद आप आते हैं और वहाँ क्या नाम है अपनी अगर कुकिंग करते हैं तो वो बहुत ही चीप में पड़ता है। जैसे ये ग्रोसरी स्टोर है, ये ओबा। अब ओबा जो है ये आज़रबैजान का एक मार्केट है, आप वहाँ पर जैसे आम मार्केट है, यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत से लोकल मार्केट्स होते हैं, वैसे ही ये जो है ओबा, ये है मार्केट। अब इस मार्केट पे जाकर आप अपने लिए चीज़ें खरीद सकते हैं, ये बहुत ही चीप प्राइस में होता है। ब्रावो होता है, ब्रावो जो है, ये जो ब्रावो है इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल दे दूँ कि ये ब्रावो है किसका और इसका ऑनर कौन है। ज़्यादातर मुझे सुनने को यही मिला है जो प्रेसिडेंट है आज़रबैजान का, ये उनकी वाइफ का है। तो आप सोचिए, प्रेसिडेंट की वाइफ का ये ब्रावो जनरल स्टोर है, ये मार्ट जो है ब्रावो के जितने भी ब्रांचेज हैं उसको उनकी ऑनर है वहाँ पर, क्या नाम है, उनकी वाइफ है। अच्छा, ये बात हो गई। इसके बाद अगर आप जाते हैं, ज़्यादातर जो दोस्त होते हैं वो यहाँ से जाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के गर्ज से, और सबसे जो उनका मेन टारगेट होता है वो पता है क्या होता है, उनका मेन टारगेट एक ही चीज़ है, वो चीज़ है क्या, वो चीज़ है राइस। अब वो जब जाते हैं लोकल मार्केट से एक राइस खरीदते हैं वो होता है 2 मनात
तीन मना चार मना तक, तो वो सोचते हैं कि यार पाकिस्तान में तो ये बहुत सस्ता है और यहाँ पर बहुत महंगा बिक रहा है। वो वहाँ के जो लोकल मार्केट है वो उसे सर्च नहीं करते, वो सिर्फ मार्ट में एक बस कैलकुलेशन अपने जहन में डालते हैं और वो सोचते हैं कि यार मार्ट में इतना महंगा है तो ये ज़रूर इसमें हमें मुनाफा होगा। हालांकि अगर अगर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वाले जो देखिए ज़्यादातर जो लोग जाते हैं वो सिर्फ बिजनेस के हवाले से जाते हैं, वहाँ पर जाकर सर्च करते हैं और वो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो ये उन दोस्तों के लिए कि आप जाएं वहां पर निजामी पे सेल्फ किचन यूज करें और अपने खर्चे कम करें। अभी एक पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल है आपको ये पता है कितने की मिलेगी, 60 कैपी की मिलेगी, यानी 60 कैपी की ये कपी की ये आपको एक बॉटल मिल रही है। आप इसको पाकिस्तानी रुपयों में कैलकुलेट करें आपको पता लगेगा कि आप कितना एक्सपेंसिव चीज ले रहे हैं। यहां तक कि वहां पर जितने भी पाकिस्तानी होटल्स हैं जैसे ये दिल्ली दरबार है और उसके बाद ये है लाहौरी ढाबा, आप इन पे जाते हैं ना एक एक दाल सिर्फ खा के देखें, एक पाकिस्तानी टेस्ट की जो दाल होती है ना वो अगर आप खाएंगे तो आपको वो मिलेगी 15 से 20 मनात की। बॉस मुझे नहीं पता कि आप लोग मुझे क्या नाम है क्या समझ रहे होंगे उस वक्त, ये उस चीज़ों की बुराइयां क्यों करता। मैं कभी भी बुराई नहीं करता, मैं सिर्फ रियलिटी बताता हूँ आप लोगों को, और अगर आप लोगों को ये रियलिटी नहीं है पसंद तो शायद मैं दोबारा बताऊँ नहीं, क्योंकि मैं ये चीज़ें उनको बता रहा होता हूँ जो यहाँ से जा रहे होते हैं और उनके लिए ये बेहतर है बताना क्योंकि उनके काम आएगी ये चीज़ें। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी। वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन दोस्तों का इन्फॉर्मेशन में दिलचस्पी हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।